केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को सभी के लिए फ्री कर दिया है। वहीं अब 18 साल से 60 साल वालों को मुफ्त में ही बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसको लेकर दुर्ग जिले में सेंटर तैयार किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का ये अहम फैसला माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज जो कि 60 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में 380 रुपए देकर लगवानी पड़ रही थी, उसे अब निःशुल्क कर दिया गया है। 15 जुलाई से इसके लिए विशेष अभियान शुरू होगा। 75 दिवसीय इस अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में कोविड की एहतियाती खुराक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभियान चलाने का फैसला लिया है। अब तक 1% से कम को एहतियाती खुराक लगी है। देश में 18 से 59 साल की उम्र के 77 करोड़ लोगों को एहतियाती खुराक दी जानी है। इसमें अब तक 1% से भी कम को एहतियात खुराक दी गई है। हालांकि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित 16 करोड़ पात्र आबादी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में से लगभग 26% को बूस्टर खुराक लग चुकी है। बूस्टर डोज लगाए जाने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी विश्राम ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद प्रिकॉशन डोज अब शिविर लगवा कर मुफ्त में लगाई जाएगी। साथ ही स्कूलों में भी स्कूल स्टाफ और बच्चों को टीम के माध्यम से बूस्टर डोज दी जाएगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी ये न्यूज आई है कि वर्तमान में जितने बूस्टर डोज हैं और प्रिकॉशन डोज जिसे कहा जाता है, उसके लिए अभी तक 18 से 59 ईयर्स तक के लोगों के लिए प्राइवेट में लग रहा था, लेकिन अभी सरकार के द्वारा इसे फ्री में गवर्नमेंट सेक्टर में लगाने हेतु आ गया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जब लगेगा तो हम ये चाह रहे हैं कि सभी लोगों को इसका लाभ उठाएं। हमारे जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ पे तो ये बूस्टर डोज लगेगी ही, साथ में स्कूलों में जो हमारी टीम जा रही है वहाँ पे टीचर्स को भी और अन्य जितने स्टाफ हैं उनको भी लग जाएगा। हम यह भी चाह रहे हैं कि जो जितने भी पत्रकार बंधु लोग हैं, मीडिया के साथी हैं, उन सबको भी हम एक दिन PRO को हम बता देंगे कि एक दिन निश्चित कर लेंगे और एक जगह निश्चित कर लेंगे और उस दिन हम वहाँ पे रख देंगे हमारी टीम को, और जब भी जिसे समय मिलेगा वहाँ जाके अपने अपने परिवार को और खुद जाके वहाँ पे लगा सकते हैं। कोविड की सुरक्षा को लेकर अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें लेकर क्या प्रिकॉशन अपनाए जा रहे हैं? कोविड रोज के रोज आप देखते जा रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं कोविड के केसेस। तो कोविड के केसेस के लिए हमने पहले भी अपील करी है और हम अब बार बार अपील भी करते जा रहे हैं कि कृपया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाइए। हालांकि यह अभी जो वायरस है कोविड का, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी यह हो रहा है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज हैं, कोमॉर्बिडिटी मतलब जिसको किडनी की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, कैंसर हो, ब्लड के कोई बीमारी हो, ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जा रही है, वैसे लोगों को हमेशा सचेत रहना चाहिए ताकि यह वायरस नुकसान ना पहुंचा पाए। तो हम यह चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।